Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Myself, Vaseem Pathan sir from Anglo Urdu High School, Ranga. Today, we are going to learn the lesson 3.3 news analysis given on the pages from 69 to 72 of your My English Book 7. कई लोग अखबारों में छपने वाली खबर को ट्रू एंड रिलायबल मान लेते हैं. दे बिलीव दैट दे आर ट्रू, बट लेटर ऑन बाद में ये पता चलता है कि दे डू नॉट मैच विद द फैक्ट्स एंड द रियलिटी, यानी कि उनका हकीकत और सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता. देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि वी मस्ट थिंक केयरफुली बिफोर बिलीविंग ऑन एनी सच न्यूज़ दैट वी हियर और रीड. यानी कि इस तरह की किसी भी खबर को पढ़ने या सुनने के बाद उस पर फौरन यकीन करने से पहले वी मस्ट थिंक केयरफुली, हमने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के साथ सोचना चाहिए. देर आर मेनी न्यूज़ आइटम्स प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पीस ऑफ न्यूज़ दैट यू रीड एंड यू बिकम हैप्पी, अगर कोई न्यूज़ आप सुनते हैं और आप खुश हो जाते हैं तो यू मे से दैट इट इज़ द गुड न्यूज़, तो आप कहेंगे ये अच्छी खबर है. इफ़ यू कम अक्रॉस अ न्यूज़ दैट मेक्स यू एंग्री और सैड, अगर कोई खबर पढ़कर या सुनकर आप गमगीन हो जाए, आपको गुस्सा आए, तो आप कहेंगे कि ये बैड न्यूज़ है. आपने अपने घर के बड़ों को भी देखा होगा कोई खबर पढ़ने या सुनने के बाद दे रिफ्लेक्ट देमसेल्फ विद देयर फीलिंग्स, वो अपने जज्बात के साथ में जो है तो उस खबर का जिक्र करते हैं, उसका तस्करा करते हैं कि ये अच्छी खबर है, ये बुरी खबर है, ये ऐसी खबर है, ये वैसी खबर है. तो इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन 3.3 न्यूज एनालिसिस. सो कम वी विल स्टडी सम सच न्यूज आइटम्स इन अवर नेक्स्ट वीडियोस. अस्सलाम वालेकुम.